डिवेलपिंग कंट्रीज़ जो हैं यूजली ये हाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट फेस कर रहे हैं और वहाँ पर एक इसका एक मेजर प्रॉब्लम समझा जा रहा है कि उनकी डिवेलपमेंट और ग्रोथ में ये एक मेजर प्रॉब्लम है तो देखेंगे कि सोलो मॉडल इस बात को किस तरह से आंसर करता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का क्या रिलेशनशिप है लॉन्ग रन लिविंग स्टैंडर्ड के साथ सो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इफ़ इट इंक्रीज तो इसका मतलब क्या है एक तो ये कि कैपिटल लेबर रेशियो कैपिटल को लेबर से डिवाइड करते हैं तो अगर डिनोमिनेटर जो है वो रैपिडली इंक्रीज़ होगा तो कैपिटल लेबर रेशियो जो है ये कम हो जाएगी नंबर वन हायर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इम्प्लाइज लोअर कैपिटल लेबर रेशियो सिमिलरली आउटपुट पर वर्कर भी जो है आउटपुट को भी आप लेबर से डिवाइड कर रहे हैं नंबर ऑफ वर्कर्स से तो पॉपुलेशन जब रैपिडली ग्रो करेगी तो नंबर ऑफ वर्कर्स भी ये हमारी एजम्शन है उसी रेट से इंक्रीज करेंगे तो आउटपुट पर वर्कर भी डिक्रीज तो हो जाएगी और इसी तरह से कंजम्पशन पर वर्कर भी डिक्रीज हो जाएगी लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम इस डायग्राम में ब्लैक स्ट्रेट लाइन ठीक है ये आपकी इनिशियल स्टेडी स्टेट इन्वेस्टमेंट पर वर्कर लाइन है जिसमें एन वन प्लस d टाइम्स k है एन वन इज़ द इनिशियल पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है उसको हम एन वन कह रहे हैं डी डेप्रिसिएशन रेट है और और जो रेड वाली लाइन है वो हायर पापुलेशन ग्रोथ रेट के साथ है कि एन टू इज़ ग्रेटर देन एन वन सो जब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंक्रीज होगा तो ये लाइन डिवर्ट करेगी टूवर्ड्स लेफ्ट ब्लैक से ये रेड हो जाएगी सो इनिशियली इनिशियल जो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था और सेविंग कर जो था उसके मुताबिक ए इज़ द एक्बरीम पॉइंट ठीक है ए से डिटरमिन हो रहा है आपका एक्वरीम लेवल ऑफ के और इससे बाकी सारी चीज़ें यानी ये इक्लिब्रियम लेवल ऑफ के डिटरमिन करेगा एक्बरीम लेवल ऑफ वाई और वो डिटरमिन करेगा एक्बरीम लेवल ऑफ सी सो इफ देर इज एन इन इनक्रीज इन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट तो ये लाइन जो है ये शिफ्ट कर रही है वट के टूवर्ड्स लेफ्ट ब्लैक से ग्रीन हो रही है तो अब एक पॉइंट आपका ए से बी पर शिफ्ट हो गया अब इंटरसेक्शन पॉइंट बी है क्यों इसलिए कि अब ज़्यादा वर्कर्स आ रहे हैं मार्केट में काम करने के लिए उनके लिए ज़्यादा आपके पास और जो एग्जिस्टिंग आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे अब वो उसके लिए काफ़ी नहीं होगी तो आपको इस वजह से कैपिटल स्टॉक पर वर्कर काम होना शुरू हो जाएगा कैपिटल स्टॉक पर वर्कर कम होगा तो आउटपुट कम होगी और बाकी चीज़ें कम होगी तो नया एक लिपरिंग पॉइंट ए से इकॉनॉमी बी पर शिफ्ट हो जाएगी ओके सो ए से जब इकॉनॉमी बी पर शिफ्ट हो रही है तो इसके नतीजे में क्या हो रहा है कैपिटल लेबर रेशो यानी के की वैल्यू कम हो रही है तो ऑब्वियसली ए पर आउटपुट अगर आपके पास या, सेविंग ये थी अगर आप इसके साथ प्रोडक्शन फंक्शन भी ड्रा कर लें तो और इसको एक्सटेंड करेंगे तो वो प्रोडक्शन जब आप बी पर आएंगे तो आपका प्रोडक्शन भी आपकी प्रोडक्शन भी कम हो जाएगी पर वर्कर ओके और आपकी कंजम्पशन भी उसके मुताबिक कम हो जाएगी फिर क्या यानी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कम करना इज इट डिज़ायरेबल ठीक है ऐसी पॉलिसी हमें अडॉप्ट करनी चाहिए सो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम होने से कंजम्पशन पर वर्कर इंक्रीज हो जाएगी अभी हमने डायग्राम में देखा ठीक है कन्जम्पन पापुलेशन अगर हम यानी बढ़ाते हैं तो वो कन्ज्पन आपकी कम हो जाती है और अगर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को आप कम करेंगे तो कन्जम्पन आपकी बढ़ जाएगी लेकिन कन्जम्पन पर वर्कर तो बढ़ जाएगी लेकिन इसके साथ साथ यानी आपकी टोटल आउटपुट भी वो कम हो जाएगी यानी अब आप, आपके पास नंबर ऑफ वर्कर्स कम हो गए पर वर्कर तो के okay, आउटपुट बढ़ गई है और कन्जम्पन भी बढ़ गई लेकिन चूंकि नंबर ऑफ वर्कर्स कम होने की वजह से टोटल आउटपुट कम हो जाएगी तो ये इसकी डाउन है कि इट विल रिड्यूस टोटल आउटपुट एंड कंजम्पन एज वेल सो टोटल आउटपुट जब कम हो जाएगी तो ये है इकॉनॉमी के लिए इकानमी का साइज़ किसी भी मुल्क के लिए बहुत मैटर करता है कि उसकी इकानोमी का साइज़ क्या है अगर उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम होने की वजह से उसकी टोटल आउटपुट कम हो जाती है तो उसकी इकानोमी का साइज़ कम हो जाएगा ठीक है इकानोमी का साइज़ कम होने से उसकी दुनिया में जो अहमियत है उसकी इकानमी की साइज़ की वजह से उस अहमियत में कमी वाकई हो जाएगी तो इसलिए ये ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंस है अनादर पॉइंट ये है कि सोलो मॉडल में हमारी एक अदम्पन ये थी कि जिस रेट से पापुलेशन ग्रो करती है उसी रेट से आपकी लेबर फोर्स भी ग्रो करती है यानी कंपोजिशन आपकी जो पॉपुलेशन की एज कंपोजिशन है ये कांस्टेंट रहती है लेकिन जब पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में कमी वाकई होती है और ड्रास्टिक कमी वाकई होती है तो ये फिर कंपोजिशन भी उससे अफेक्ट हो जाती है यूरोपियन कंट्रीज़ और और इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री इसको फ़ेस कर रहे हैं कि जब उनका पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हुआ तो उनकी एज कंपोजिशन भी उससे अफेक्ट होगी और किस तरह से अफेक्ट होती है कि जो एवरेज एज बढ़ जाती है ओके okay? और काम करने वालों का जो रेशो है एज़ कंपेयर टू द रिटायरीज उसमें कमी बाकी हो जाती है कि काम करने वाले अब एज ज़्यादा होने की वजह से रिटायर लोगों के रेशो बढ़ जाएगी पेंशन और उन चीज़ों पर उनकी हेल्थ पर ये सारी चीज़ें अखराजात ज़्यादा हो जाएंगे लेकिन उसमें कंट्रीब्यूट करने वाले जो लोग हैं क्योंकि पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट कम हो गया तो आपकी लेबर फोर्स कम होगी तो इसके कॉन्सिक्वेंस इकॉनमी के लिए इस तरह से उसके हेल्थ केयर सिस्टम के लिए उसका सोशल सिक्योरिटी सिस्टम जो है उसके लिए इसके भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस हो जाएंगे और इसलिए इसको हमने ओवरऑल हमें देखना होगा कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के फ़ायदा क्या है और उसका उसमें कमी होने के क्या प्लस माइनसेस हैं थैंक यू वेरी मच